तो गाइस इस वीडियो में मैं आज आपको बटरफ्लाई बनाना सिखाऊंगा। तो चलो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर एक स्क्वायर पेपर लिया है, 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर पेपर। तो हम इस साइड से फोल्ड करते हैं इसको। हम इसको इस साइड से फोल्ड करने के बाद हम दूसरी साइड से भी फोल्ड करेंगे। हम इस साइड से फोल्ड करेंगे और एक सीधी लाइन बनाएंगे इस पे। हम पेपर को खोल लेते हैं, इसके बाद इस पेपर को पलट लेते हैं उल्टी साइड। हम इस साइड से फोल्ड करके एक सीधी लाइन बनाएंगे रेक्टेंगल शेप में। फिर सेम ऐसा ही हम दूसरी साइड भी करेंगे। सेम ऐसा ही हम इस साइड करते हैं अभी। अब हम इसको ओपन करके दोनों साइड से पुश करेंगे, इस तरफ से जो अंदर की तरफ है दोनों साइड से पुश करेंगे ताकि ट्राइंगल बन जाए। अच्छे से हम इसको एक बार प्रेस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको दूसरी साइड फोल्ड करेंगे, इस तरफ फोल्ड करेंगे। आप उस तरफ भी कर सकते हैं, हम इस तरफ फोल्ड कर रहे हैं अभी। हमारा फोल्ड हो गया है, अब इसको कैंची से काटेंगे। पर मैं कैंची से काटने से पहले आपको मैं एक मार्क बता देता हूँ, पेंसिल से मार्क करके बताता हूँ। देखिए मैं कैसा मार्क बना रहा हूँ, इस तरीके का मार्क आपको बना लेना, उसके बाद आपको सीधा से काट लेना है। अब हम इस मार्क को काट लेंगे सीधर से, हम काट लेते हैं। देखिए हमने किस तरह से मार्क को काट लिया है, बहुत अच्छी फिनिशिंग से कटा है मार्क अच्छे से। अब हम इसको साइड से पहले इस साइड से फोल्ड करेंगे, पर फोल्ड करने से पहले हम इसको प्रेस कर लेते हैं क्योंकि लाइन सीधी एकदम दिख नहीं रही थी, तो फोल्ड करने प्रेस कर लेते हैं। उसके बाद हम बीच लाइन पे उसको प्रेस नहीं करेंगे, हम साइड में प्रेस करेंगे। देखिए हम किस तरह से बीच लाइन के पास ऊपर नहीं, हमको साइड के लाइन से प्रेस करना है क्योंकि हमको नीचे से फोल्ड करना है, इसलिए हम साइड से प्रेस कर रहे हैं। सेम हम दूसरी साइड भी करेंगे, बीच लाइन पे नहीं साइड की लाइन पे प्रेस करेंगे। इसको रेडी होने के बाद हम इसको नीचे से फोल्ड करेंगे। तो गाइस यहाँ पर हमारा बटरफ्लाई जो है रेडी हो चुका है, और हम इसके बाद हम इसको इस साइड से फोल्ड करेंगे पीछे की तरफ। तो गाइस मैं जैसे करके बता रहा हूँ आप भी वैसे ही करिएगा। अब हम ये जो पॉइंट आ रहा है इसको हम इस साइड से फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और उसको बीच में प्रेस करके फोल्ड करके दबा देंगे इस तरह से फोल्ड करना आपको। तो ये क्या जो पॉइंट है वो टाइट हो जाएगा, तो इससे आपकी जो बटरफ्लाई है वो खुलेगी नहीं, टाइट हो जाएगी। गाइस अब अपनी बटरफ्लाई पे पेंसिल से डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर अभी कुछ बटरफ्लाई बना रखी है, आपको दिखाता हूँ।
आप देख सकते हैं मैंने सब पे डिज़ाइन बना रखी है। इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं आप। प्लीज़ अगर वीडियो प्ले अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और जो लोग नया चैनल पे भी सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।